अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले कुछ अरसे से दलितों को मंदिर में दाखिला न देने की वारदातें बढ़ चुकी हैं। अब इन वारदातों के पस मंजर में 20% मुसलमान बनाम 80% हिंदुओं की बात पर भी सवाल उठना लाजिम हो जाता, क्योंकि जब दलित भी हिंदू है तो इन्हें मंदिर में दाखिला क्यों नहीं दिया जा रहा। खैर, आज बात इसी पर करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। भारत मुख्तलिफ मजाहिब, धर्म, तहजीब और जुबानों का मुल्क है। हर 100 किलोमीटर पर जुबान, तहजीब, खान पान के तरीके के साथ बात करने का लहजा भी बदल जाता है, और यही इसकी खूबसूरती है। अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक हैं, इसी बात से वाजे हो जाता है। खैर, कुछ सियासतदानों ने मुल्क की कैफियत को कहां तक लाकर खड़ा कर दिया है, सभी देख रहे हैं। भारत में पहले से ही मुख्तलिफ जाति धर्म ऊंच नीच रहा है। एक वक्त था जब दलितों को गांव के बाहर रखा जाता था, अछूता बनाकर रख दिया जाता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इनकलाब लाया और तमाम ऊंच नीच की दीवारों को खत्म करके दलितों को इंसाफ दिलाया। आज सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा किया जा रहा है, और 80% बनाम 20% की एक तरह जंग बताई जाने लगी है। पर क्या वाकई मुसलमानों की महज मुखालफत में ही हिंदू समाज मुत्तहिद है या मुत्तहिद हो रहा है? बटोगे तो कटोगे की बात कही जा रही है। यह सवाल आज भी मायने रखता है। कर्नाटक के मंड्या में दलितों को मंदिर में दाखिला न देने पर तनाजा खड़ा हुआ है। यह हाल फिलहाल की बात है। पुलिस महकमा, तहसीलदार, मुकामी कमेटियों ने इंसानियत की बुनियाद पर दलितों को मंदिर में दाखिला देने की बात कही, वही वहां का गौड़ा समाज इस बात से इत्तफाक नहीं रखता। तहसीलदार शिव कुमार बिरादर ने कहा कि ये मुजूरी मंदिर है, यहाँ के दरवाजे सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले हैं, पर ऊंची यानी कि आला जात वालों और मुकामी दलितों के बीच तनाजा मुस्तकिल जारी है। एक शख्स ने यह भी कहा कि उन्हें यानी निचली जाति वालों को कहो कि वो मंदिर अपने पास ही रख दे, हम भगवान को ले जाएंगे। मंदिर को हमने हमारी कोशिश और जद्दोजहद से बनाया है, ये भी कहा, हम आपसे मंदिर में दाखिल नहीं होंगे। लिहाजा मुखालफत के चलते मंदिर की तख्ती को भी हटाया गया और उत्सव की मूर्ति को दूसरे कमरे में रख दिया गया। आखिरकार बहस मुबासे के दौरान दलितों ने मंदिर में दाखिल होने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी साल फरवरी महीने के तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में मुकीम थेनमुदियानूर गांव में दलित के एहतराम सम्मान को लेकर तशद्दुद बरपा हुआ, क्योंकि ऊंची जाति के हिंदुओं ने एक मंदिर का बायकॉट इसलिए कर दिया क्योंकि वहां दलितों को दाखिल होने की इजाजत दी जा रही थी। आला जात के लोगों को कतई मंजूर नहीं था कि दलित कोई आकर इस मंदिर में दाखिल हो जाए। फ्रंटलाइन मैगजीन के मुताबिक दलितों को तवील अरसे तक यहाँ के मुकामी मंदिर से बाहर रखा गया था। हालांकि CPIM और विदुथलाई चुरुथिगल काची VCK की मांग और सियासी दबाव के बाद जिला इंतजामिया ने 30 जनवरी 2023 को दलितों को मंदिर में दाखिल होने की इजाजत दी। दाखिले के बाद फिर से मंदिर को बंद कर दिया गया। मंदिर के पुजारी जो पिछड़ी जाति से थे, उसने अपना पुजारी का ओहदा भी छोड़ दिया। हालांकि अमन कमेटी की मीटिंग के बाद मंदिर अगस्त 2023 में फिर से खोला गया, पर आला जात वालों ने इस मंदिर का मुकम्मल बायकॉट ही कर दिया। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के अप्रैल महीने में राजस्थान में जालौर जिले के नीलकंठ गांव में मंदिर पहुंचे दलित दूल्हा दुल्हन को और उनके परिवार रिश्तेदारों को महज दलित होने पर मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया और नारियल चढ़ाने को लेकर पुजारी से बहस हो गई। 22 अप्रैल को हुई इस वारदात के बाद दूल्हे वालों की जानिब से भादराजून पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दर्ज की गई। आपके सामने महज कुछ ये वारदातें वाकई जो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए एक तरफ 20% मुसलमान तो 80% हिंदू की तस्वीर बनाने की कोशिश जारी है, पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आला जात और निचली जात को लेकर मंदिर में ही दाखिला नहीं दिया जा रहा, और वही दूसरी ओर मुसलमानों की इबादत गाहों पर भगवा परचम लगाकर एक तरफ अक्सरियत हिंदू समाज होने की बात करते हुए 20% मुसलमानों को अलग थलग करने के साथ उन्हें डराने की कोशिश भी की जा रही है। पहले मुल्क में बढ़ती गरीबी के साथ खुद हिंदुओं में कई तफरके हैं, इन्हें मिटाने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। अपने आप को हिंदुत्व के आलमबरदार कहते हुए मुल्क के संविधान, मुल्क की न्याय व्यवस्था को बदलने की बात खुले मंचों से कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं कभी निचली जाति के लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बनने नहीं देते। अगर एकाध किसी फर्द को ऊंचे ओहदे पर बिठा कर यह कह दिया जाए कि हम दलितों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो सरासर झूठ है। ठीक है, मुसलमानों से आपकी दुश्मनी है, लेकिन मुसलमानों से दुश्मनी निभाने से पहले दलितों के साथ तो इंसाफ देने की कोशिश होनी चाहिए। आज बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन जब किसी को धर्म के आधार पर सत्ता तो किसी को धर्म के आधार पर मंदिर में दाखिला नहीं देना, क्या इन हिंदुत्ववादियों का दोगलापन नहीं है? आज महज सत्ता हासिल करने के लिए 20 बनाम 80 का नैरेटिव सेट किया जा रहा है,
लेकिन भारत की मिट्टी में ही भाईचारे की जड़ें मजबूती से पैवस्त हो चुकी हो, वहां इन फिरका परस्तों की कामयाबी मुमकिन तो नहीं है। अलग धर्म जात पात के होने के बावजूद एक छत के नीचे सभी हम भाईचारे के साथ रहते हैं, पर जो अखंड भारत या लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले महज कुछ ही फीसद लोग हैं जो बड़ी तादाद में रहते हैं। वैसा तो उमूमन यह गरीबों का मुल्क है, यहाँ पर तो दो वक्त की रोटी के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। खैर, इसके बावजूद भी दलितों को मंदिर में दाखिला नहीं दिया जा रहा। ऊपर हमने कुछ मिसालें फिलहाल जो पेश आई उसका तस्करा किया। 3-3.5% के लोग मुल्क की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए 20-20 का खेल खेल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जब नौकरियां मांगी जाती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान हमला करने लगता है, भारत को मुसलमानों से नुकसान की बात कही जाती है। 2050 तक तो इस्लामी राष्ट्र की बात करने लगते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव 20 तारीख को हो रहे, जमकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि महासत्ता के लिए नफरत की दीवार को खड़ा किया जा रहा है, और इन तमाम के दरमियान मुसलमानों का कुछ है ही नहीं। मुसलमान आज भी अपनी गफलत की जिंदगी में मसरूफ है, वो नींद सो रहा है। पर सवाल उन दलितों पर भी है जिन्हें हिंदू बनाकर फसाद के वक्त मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सत्ता की मलाई कोई और खाता है, और जेल लाठियां मुकदमे पिछड़ी जाति के नौजवानों के नसीब में आ जाती है। अगर ये सब नहीं है जो वारदातें मुल्क भर में दलित को लेकर हो रही है, क्या है? क्यों दलितों को मंदिर में दाखिला होने नहीं दिया जा रहा? लिहाजा अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र की बात महज सत्ता हासिल करने का जुमला है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।